सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, केवल हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में दीपावली पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज दीपावली पर्व के इस मौके पर मैं आपको ढोलक पर और तबले पर विश्व प्रसिद्ध कुछ पैटर्न्स बता रहा हूँ, जिनको आप माता लक्ष्मी जी की आरती में बड़े आसान तरीके से बजा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और मैं सबसे पहले आपको तबले पर बताऊंगा, फिर साथ साथ में आपको ढोलक पर ही बताता चलूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी लेसन के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दीपावली का त्यौहार है, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी जब माता लक्ष्मी जी की आरती गाएं तो ढोलक या तबला जरूर लेकर बैठें और साथ में संगत करें। तो देखिएगा, आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। हमारे इस आज के लेसन से पहले भी हमने कई सारे लेसन आप सबके लिए बनाने का प्रयास किया है, ढोलक के भी हैं और तबले के भी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद आप चैनल पर जाएं तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हमने आप सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तबले की अलग है, तबला के शुरुआती विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 1 से भी है, ढोलक के भी लेसन हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, तो उसमें सारी वीडियोस को देखिए, उनको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो ये ऑनलाइन क्लास का नंबर आपको दिख रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है अंकित कश्यप तबला, और फेसबुक पेज भी है हमारा, उसका नाम है अंकित कश्यप तबला। तो प्लीज हमें फॉलो लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ल्ड फेमस तिहाई बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छी तिहाई है। उसको बजाने के लिए क्या करेंगे, तबले की चांटी पर फर्स्ट फिंगर से खुला बजाएंगे तिन, और बेस पर ये दो फिंगर्स का यूज करेंगे, मिडल फिंगर्स से घ, मिडल फिंगर का यूज करेंगे और बजाएंगे घ, ऐसे स्नेक पोजीशन में घ। एकदम शुरुआत से बता रहा हूं, ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी इसका लाभ आराम से वो सीख सकें, इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, घ मिडल फिंगर से घ, ऐसे फर्स्ट फिंगर से खुला तिन, तो तिन एंड घ मिलाकर एक साथ बजाना है आपको धिन, और फर्स्ट फिंगर से ही किनार पर ता बजाएंगे ता, तो धिन ता बोल है, धिन ता कठिन ता कठिन ता धिन, ये बोल है। अब देखिए, धिन ता क्रधिन, अब क्रधिन कैसे बजेगा, क अब र, ये दो फिंगर से देखिए र, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा ऐसे नहीं करना है, हल्का सा, तो कर कतधिन, कतधिन भी कर सकते हैं कतधिन, तो कतधिन एकदम बजेगा, क्रधिन लगेगा फिर वो धिन, तो कतधिन, तो बोल है धिन ता क्रधिन ता क्रधिन तान धिन। अब लास्ट में तान, तो धिन ता क्रधिन ता क्रधिन तान धिन, एक बार दोबारा कम स्पीड में देखें, धिन ता क्रधिन ता क्रधिन तान धिन, धिन बजेगा मैदान पर धिन, लास्ट वाला तिन मैदान पर बज रहा है, स्याही और किनार के बीच में जो आप देख रहे हैं पार्ट, इसको बोलते हैं मैदान, तो फर्स्ट फिंगर से तिन और बेस मिलाकर बजाएंगे तो बन जाएगा धिन, तो धिन ता क्रधिन ता क्रधिन तान धिन, ये बोल हो गया धिन ता क्रधिन ता क्रधिन तान धिन। अब मैं आपको एक प्रकार बता रहा हूं, उसके बोल नोट कर लीजिए, धिन ना धिन धिन नाति तिन ना तिन तिन नाति, धिन आपको बजाना आ गया, धिन ना धिन धिन नाति, ना के बाद ती मिडिल फिंगर से बंद करना है स्याही पर, तो धिन ना धिन धिन नाति, धिन ना धिन धिन नाति धिन ना धिन धिन नाति। अब देखिए, धिन ना धिन धिन नाति धिन ना धिन धिन नाति, ठीक है, आरती के लिए बहुत अच्छा प्रकार है ये। इसमें एक दो वेरिएशन और बताता हूं मैं आपको, पहले ये देख लीजिए, ये धिन ना धिन धिन नाति धिन ना धिन धिन नाति धिन पर स्लाइड भी कीजिए, धिन ना धिन धिन नाति धिन ना धिन धिन नाति, अब इसमें एक और प्रकार है, धिन धिन ना धिन बहुत अच्छा प्रकार है, देखिए धिन धिन ना धिन धिन नाति धिन ना धिन धिन नाति। अब कई सारे स्टूडेंट्स सोचा होगा कि ये तो गुरुजी ने पहले ही बताया है, उन्होंने स्किप कर दिया होगा, हो सकता है, लेकिन ये वाला प्रकार जो अब बता रहा हूँ ना, ये भी बहुत अच्छा प्रकार है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आप ये पैटर्न को कैसे सीखेंगे, तो स्किप ना करा करें वीडियो को,
पूरा वीडियो जरूर देखें। आप देखिए ये भी अच्छा प्रकार है। तो धिन धिन नाते ये है। धिन धिन नाती इसको बीच बीच में लगा सकते हैं आप। आसान तरीके से बता रहा हूं आपको, ये धिन धिन नाती। तो धिन धिन नाती। लेकिन बजेगा थोड़ा सा फास्ट। धिन धाक धिन धान ये आरती में धिन धाक ऐसे। ये भी कर सकते हैं आप। तो धिन धिन नाती ये भी कीजिएगा। अब एक और प्रकार ढोलक पर देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो धिन तीन थोड़ा सा आगे की तरफ बजेगा। देखिए ढोलक तीन ऐसे ढोलक आप ऐसे बजाएंगे। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ढोलक की चांटी पर ढोलक आपको वैसी बजाना है। धिन ये ढोलक रखिए, देख रहे हैं आप, तो ढोलक पर वैसी बजाइएगा। ये आपको समझाने के लिए, तो तीन फर्स्ट फिंगर से आगे की तरफ। तबले पर तीन ऐसे बज रहा था कि ये वाला फिंगर सियाही के बॉर्डर पर था ऐसे, तो तीन। अब ढोलक पर ये सभी फिंगर्स उठ जाएंगे, तो तीन थोड़ा सा आगे की तरफ, तो तीन ना तीन देना ऐसे, ये चलेगा। तीन ना तीन देना चांटी पर बेस। ढोलक की तिरकिट भी अलग होती है, बताऊंगा अभी आपको। तबले में कैसे बजती है ढोलक पर। तो ऐसे आपको बजाना है ढोलक पर। एक बार दोबारा से देखिएगा, बेस पर स्लाइड करेंगे धिन ऐसे, धिन तीन के साथ बेस लगाया तो बन गया धिन ना धिन धिन नाग। फर्स्ट फिंगर से नाग, फिर धिन ना धिन नाग, ये लगातार चलेगा। ऐसे बजा सकते हैं, इसमें उठान ले सकते हैं आप। टेटे तादरगड तादरगड धिन ना धिन धिनग। अब टेटे लेंगे ये तीन फिंगर से ढोलक में, साथ साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब देखिए ते, ये तीन फिंगर से ते ऐसे, तो ते के पहले ते, फिर टे फर्स्ट फिंगर से बंद करना है, ते टे ता। अब तिरकिट, तिरकिट एक बार दोबारा से देखिए, ये तीन फिंगर से ती, फर्स्ट फिंगर से र बंद करना है इधर की, फिर ये ट, इसमें तीन फिंगर्स का यूज करेंगे, ती र की ट, तो टेटे ता तिरकिट ता तिरकिट ऐसे। ढोलक पर ऐसे बजा सकते हैं आप।
अब इसमें तबले पर तेटे तादर गेट कैसे बजेगा? इसमें तेटे लेंगे, देखिए दो फिंगर से ते टे, मिडिल फिंगर का यूज करेंगे, बंद करेंगे ते, फर्स्ट फिंगर से टे, तो तेटे तातर गेट तक तिरकिट। अब तिरकिट इससे बजाएंगे, सबसे पहले मिडिल फिंगर का यूज करेंगे ती, फिर फर्स्ट फिंगर से र, फिर इधर की, फिर ये दो फिंगर से ट, तो तेटे तेटे ता तिरकिट ता, तेटे ता तिरकिट तक तिरकिट, तेटे ता तिरकिट तक तिरकिट, ये ऐसे तेटे ता तिरकिट तक तिरकिट, तो तेटे ता तिरकिट तक तिरकिट। ये पैटर्न जो ढोलक पर बताया तवली पर बजाएगा, दिन ना दिन दिन आगे दिन ना दिन दिन आगे। बस हाथ रखने का तरीका अलग है, ये वाला फिंगर सियाही के बॉर्डर पर आ गया तो बन गया धिन। अब ढोलक पर ये सभी फिंगर जुड़ जाते हैं तो बन जाता है धिन ना धिन धिन आगे धिन ना धिन धिन ना। अब मैं आपको बता रहा हूं एक कहरवा ताल का प्रकार है बहुत अच्छा, वो भी आप आरती में यूज कर सकते हैं। थोड़ा बेस का अलग तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, पैटर्न मैंने पहले कई बार बताया ये, तो देखिए चांदी पर ही लगातार चलेगा टिक ताता टिक ताता, ये पहले बता चुका हूं आपको। कैसे बजेगा? सभी फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट फिंगर से ती क, ये दो फिंगर से क, तो ती क ता ता, चांटी पर लगातार चलेगा। अब पैटर्न बजेगा धिंग धांता चिक धाता, अब धिंग धांता टिक धाता, तो धीग धाता। अब देखिए थोड़ा सा बाएं का काम इसमें थोड़ा अलग है, धीग पर दबाना है, धीग धाता टीग धाता, ये प्रकार है। देखिए आरती के लिए धी घ धाता ती घ, घ फर्स्ट फिंगर से घ, फिर साथ में ये भी आपको इसमें ऐड करना है, देखिए घ धाता, सॉरी धी घ धाता ती घ धाता, थोड़ा सा मुश्किल है, चांटी पर वही चलेगा ये, लेकिन बाएं इसमें थोड़ा सा अलग है। पर इस तरीके से बजाएंगे, और ढोलक पर कैसे बजेगा? अब ढोलक पर बजाने का थोड़ा तरीका अलग है, फर्स्ट फिंगर से ते और ये तीन फिंगर से टे, तो ते टे ता ता लगातार चलेगा, ये बंद करना है ऐसे, फर्स्ट फिंगर से ते टे ता ता, ता में ये तीन फिंगर जुड़ जाती हैं, ध्यान रखना ढोलक पर थोड़ा सा अलग है, तबले का ये फिंगर यहां से हटता नहीं है। लेकिन ढोलक में फर्स्ट फिंगर से बजाएंगे, ये तीन फिंगर जुड़ जाएगा, तो ता, तो पैटर्न था बस इतना चेंज करना है, ता चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक धाता ठीक धाता वही है। इसमें छल्ला के साथ भी बजता है, मैंने कई सारी पहले वीडियोस में छल्ला के पैटर्न्स भी आपको बताने का प्रयास किया है, तो वो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियोस बहुत सारी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, चेक कीजिएगा। ये विदाउट छल्ला से आप बजा सकते हैं, ढोलक पर भी और तबले पर भी। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार बस बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और कोशिश कीजिए आप इनको स्लो स्पीड में ही रियाज करें। तो हमारे साथ साथ आप इस वीडियो को चलाकर
अभ्यास करेंगे तो बड़ी जल्दी आप इसको अपने घर बैठे ही सीख जाएंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि दीपावली पर पूजा के वक्त आप अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठें और इन पैटर्न्स को जरूर बजाएं आप और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली।